आप बिल्कुल देख सकते हैं नीली जर्सी में बलिया के टीम काफ़ी एक समान कद का के रेजर डिफेंडर काफ़ी अच्छे जर्सी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारस की टीम। टॉस संपन्न हो चुका है, मुकाबला स्टार्ट होने में कुछ समय का देरी है, कुछ समय मुकाबला स्टार्ट होगी तो आप लोग बने रहें। इस मैच के निर्णायक के रूप में हमारे अंपायर साहब, और उधर अंपायर साहब और यहाँ पे जर्सी नंबर 5 बलिया के रेजर बनारस के खेमे में, बनारस के डिफेंस काफी मजबूत, और टो चच मारने का प्रयास असफल रहे और काफी अच्छा फुटवर्क और खाली रेड करने का प्रयास, और बनारस के काफी लंबे कद काठी के रेजर 12 नंबर के जर्सी में बलिया के डिफेंस में, बलिया का डिफेंस काफी मजबूत, और ये रेजर डिफेंस तोड़ते हुए, और ये भी रेजर खाली रेज करते हैं, और यहाँ पे फिर से चले हैं बलिया के रेजर जर्सी नंबर 5 में बनारस के खेमे में, और शानदार हैंड टच का प्रयास, और एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे, और ये चले 7 नंबर की जर्सी में रेजर बनारस के बलिया के खेमे में, और यहाँ पे गलती कर बैठे जर्सी नंबर 3। फिर से जर्सी नंबर 11 चले बलिया के खेमे में, सॉरी बनारस के खेमे में, काफ़ी पतले दुबले और लंबे कद काठी के रेजर काफ़ी चुस्त फुर्ती के साथ, और यहाँ पे शानदार टच का प्रयास और सफल है, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चलता हुआ, एक एक पॉइंट से बराबर, एक पॉइंट ये टीम ले रही है तो एक पॉइंट ये, और शानदार एंकल होल्ड, बिल्कुल खतरनाक डिफेंस का परिचय देते हुए बनारस के डिफेंडर। फिर से रेजर रेज करते हुए, और यहाँ पे शानदार टैकल बलिया के द्वारा, और ये 12 नंबर की जर्सी में काफ़ी लंबे कद काठी के रेजर चुस्त फुर्ती के साथ रेड करते हुए, और यहाँ पे गलती करवाने में कायम, बिल्कुल शानदार जंप लिए और अपने टीम के लिए एक पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे, और यहाँ पे फर्स्ट रेज हो सकती है जर्सी नंबर 10 की, यहाँ पे फिर से रेड करते हुए, बोनस का प्रयास, क्या बोनस है, बिल्कुल नहीं, और फिर से जर्सी नंबर 12
ये है रेजर बनारस के। बलिया का डिफेंस काफ़ी सही है बढ़ते हुए इस मैच में, और रेजर को खाली हाथ लौटना पड़ा अपने खेमे में। फिर से चले हैं 10 नंबर की जर्सी में सुधीर, डू और डाई राइड है इनके लिए, करो या मरो का, या तो ये पॉइंट लेंगे नहीं तो आउट होंगे, डिसीजन इनको लेना है। और उतना ही शानदार एंकल हो और अभी भी स्ट्रगल जारी, लेकिन अंपायर आउट दे दिए, काफ़ी शानदार एंकल हो लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा। और यहाँ पे 7 नंबर की जर्सी में रेजर रेज करते हुए, और यहाँ पे हैंड होल मारने का प्रयास जो कि असफल रहा। इस स्किल में बिल्कुल एक ही प्लेयर माहिर है जिनका नाम है पवन सेरावत। और फिर से जर्सी नंबर 11 में यशवंत बनारस के खेमे में अपने छोटे कदकाठी फुटवर्क से परेशान करते हुए बनारस के डिफेंडरों को, और टच का प्रयास जो कि असफल है, और उतना ही अच्छा बोनस का प्रयास जो कि असफल है, और दो का डिफेंस। देखना होगा कि ऑल आउट होती है सुपर टैकल। एक पॉइंट लेने में कामयाब, और यहाँ पे आदित्य क्या अपनी टीम बलिया को हरा कर पाएगी या ऑल आउट से बचा पाएगी, देखना होगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग और बोनस का प्रयास, और बनारस की डिफेंस ने बोनस दे दिया है, और टैकल करने का प्रयास इनको करेगी। और यहाँ पे शानदार ब्लॉक, और यहाँ पे ऑल आउट होने के बाद बलिया की टीम, और यहाँ पे बनारस की टीम लीड लेती हुई। और यहाँ पे बलिया की टीम और टच मारने का प्रयास, और यहाँ पे यशवंत को शिकार बनाया, और यहाँ पे जर्सी नंबर 5 बलिया के रेजर अनंत कुमार जो कि लेफ्ट रेजर है, काफी अच्छा फुटवर्क और शानदार हैंड टच। बिल्कुल एक पॉइंट जोड़ने में कामयाब रहे, और फिर से रेजर चले हैं जर्सी नंबर 12, और शानदार डबल थाई होल लेफ्ट कवर के द्वारा। और शानदार डाइव, प्लेयर को आउट किए। बनारस के जर्सी नंबर 7 रेजर बिल्कुल बलिया के डिफेंस को तहस नहस करने का प्रयास, और बलिया की टीम संयम बरतते हुए और बोनस लेने में रेजर कामयाब हो गए। ओहो हो हो, गुप्पी मारने का प्रयास और असफल रहे रेजर यशवंत, और यहाँ पे 5 का डिफेंस 12 नंबर की जर्सी में रेजर एक करते हुए, किक का प्रयास असफल रहे।
फिर से मुकाबला स्टार्ट। और यहाँ पे रेड मेंबर ने पॉइंट लिया, कितनी पॉइंट है, बिल्कुल 1 पॉइंट। और यहाँ पे फिर से 12 नंबर की जर्सी में रेजर, बनारस के रेजर बलिया को के डिफेंस में खलबली मचाते हुए, और बोनस का प्रयास और बोनस लेने में कामयाब। और फिर से चले हैं जर्सी नंबर 5 आनंद बलिया के रेजर बनारस के खेमे में, जो कि लेफ्ट रेजर है, काफ़ी चुस्त फुर्ति के साथ और आसानी के साथ कवर को टारगेट बनाया और खूबसूरती के साथ इस पॉइंट को मुकम्मल किया। और ये जर्सी नंबर 8 बिल्कुल एडवांस खेलती हुई बलिया की टीम। फिर से वही जर्सी नंबर 5 रेडर 5 के डिफेंस में रेड करते हुए, और उतना ही शानदार डैश, काफी खूबसूरती के साथ डैश बनारस के जर्सी नंबर 7 के द्वारा। 12 नंबर जर्सी चल पड़े हैं अपने लंबे कदकाठी का फायदा उठाने बलिया के डिफेंस में, और टो टच का प्रयास, और यहाँ पे ग्राउंड की कसम खाई जा रही है, और बिल्कुल पॉइंट मिला भी। आप देख सकते हैं 50वीं सिल्वर जुबली सीनियर सुपर लीग कबड्डी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। ओहो, डुबकी मारने का प्रयास और असफल है। और बनारस की टीम इस मैच में बजट बनाती हुई 4 का डिफेंस है, देखना होगा क्या करते हैं जर्सी नंबर 7। और शानदार हैंग टच, इस मैच को आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल अपना फ्यूचर कबड्डी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे शानदार प्रस्यूट, क्या है प्रस्यूट, सही है, एक पॉइंट बनारस के खाते में, वाराणसी के खाते में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने मित्र के पास शेयर करें, और आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, कहीं भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हर एक अपडेट के लिए। इसी नाम से, अपना फ्यूचर कबड्डी से नाम से हर एक जगह आईडी है, आप फॉलो कर सकते हैं। और एक मैन स्टैंडिंग, और दूसरी बार ऑल आउट होने के बाद बलिया की टीम बिल्कुल हाफ टाइम कोर्ट चेंज। और यहाँ पे बनारस की टीम बढ़त बनाती हुई बलिया पे, हाफ टाइम के बाद फिर से मैच, हाफ टाइम के बाद फिर से मैच स्टार्ट। और यहाँ पे बनारस की टीम लीड करती हुई, और यहाँ पे 12 नंबर जर्सी में रेजर रेड करते हुए लेफ्ट रेजर, ये रेजर इस मैच में काफ़ी कमाल किए हैं और अपने टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पे स्कोर किए हैं। देखना होगा ये रेड खाली जाते हैं या पॉइंट क्या बोनस। ओहो, गलती करवा बैठे, बिल्कुल संयम बरतने की जरूरत है बलिया के डिफेंस को। और ये जर्सी नंबर 5 आनंद बलिया के स्टार रेडर बनारस के खेमे में। ओहो, गलती करवा बैठे जर्सी नंबर 5 ने, जर्सी नंबर 5 को टारगेट किया। ओहो, बैक होल काफी खतरनाक।
काफ़ी खतरनाक बैक हुई और रेजर आउट हो गया, बिल्कुल मिड लाइन से खींच लिया गया और फिर से जर्सी नंबर 5 रेज करते हुए बनारस के खेमे में। और यहाँ पे कच का अपील करते हुए और दोनों टीम ग्राउंड की कस्में खाते हुए अंपायर का किसी आना और यहाँ पे अंपायर ने दिया एक पॉइंट। फिर से रेजर 5, बलिया के स्टार रेजर बनारस के डिफेंस को तोड़ने का प्रयास। मुकाबला में लीड लेके आगे की ओर बनारस की टीम और की और यहाँ पे शानदार कैच राइजर आउट। यहाँ पे पलिया का डिफेंस अब कहाँ घाती हुई बनारस के रेजर पर। जर्सी नंबर 7 बलिया के खेमे में अपने छोटे कटकाठी से बोनस का प्रयास करते हुए और यहां पे 3 का डिफेंस सुपर टैकल ऑन है और रेडर के लिए थर्ड रेड है। क्या रेजर ओ हो मारे हैं क्या? नहीं, ग्राउंड की कस्में खाई जा रही है। अगर रेजर आउट होती है तो 2 पॉइंट मिलेगी, बिल्कुल 1 पॉइंट लेने में रेजर कामयाब। डिसीजन अंपायर का डिसीजन का सर्वमान्य है, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन बिल्कुल अच्छा निर्णय दिए। और यहाँ पे फिर से बनारस के रेजर बलिया के खेमे में बनारस के रेजर बोनस लेने में का सफल है और अपने छोटे छोटे पाँव से बलिया का सपना चकना चूर करने के लिए निकल पड़े हैं जर्सी नंबर 7 और बोनस लेने में कामयाब और 2 का डिफेंस और यहाँ पे शानदार पॉइंट लेने में कामयाब। फिर से लास्ट में बचे हुए हैं, क्या बनारस को ऑल आउट के से बचा पाएगी? बनारस टीम के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ और बोनस लेने में कामयाब। ओहो, गलती करवा बैठे जर्सी नंबर 10 से और यहाँ पे बोनस प्लस 1 पॉइंट 5 नंबर के चलते। ओहो, और उतना ही अच्छा सुपर टैकल, अभी भी स्ट्रगल जारी। रेजर आउट, सुपर टैकल बनारस के द्वारा, काफी अच्छा सुपर टैकल। फिर से 12 नंबर के जर्सी में रेजर निकल चुके हैं बनारस एक्सप्रेस गाड़ी के साथ बलिया की ओर। बिल्कुल खाली हाथ, जर्सी नंबर 4 अभिषेक
सुपर टैकल, फिर से सुपर टैकल। बनारस के डिफेंडर ने बलिया के रेजर के ऊपर कहा जा रहे हैं, बिल्कुल सुपर टैकल पे सुपर टैकल, और काफ़ी नुकसानदेह होगा बलिया के लिए क्योंकि दो दो पॉइंट का स्कोर। और यहाँ पे ओ क्या रेजर आउट है, और यहाँ पे दो पॉइंट है सुपर रेड। और यशवंत 11 नंबर जर्सी, दो का डिफेंस, 12 नंबर जर्सी में रेजर हिट करते हुए, और यहाँ पे शानदार आसानी के साथ शिकार बनाया। और यहाँ फिर से बलिया के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, लास्ट मैन स्टैंडिंग बचा हुआ है मनीष जर्सी नंबर 8। और यहाँ पे शानदार कवर के द्वारा गैस, ऑल आउट के बाद बलिया की टीम। फिर से मैच चलता हुआ टाइम आउट के बाद, बनारस के रेजर, बनारस टीम 3 बार ऑल आउट कर दी हुई है, एक बार खुद हुई है, और यहाँ पे लीड में बनारस की टीम। और सुपर टैकल मार के इन्होंने कमाल कर दिया है बनारस की डिफेंडरों ने। फिर से जर्सी नंबर 5 रेड पे निकलते हुए टच का प्रयास, क्या पॉइंट ले पाएंगे, फिर से प्रयास असफल है। और यहाँ पे खाली रेड, ओहो क्या, ओह शानदार पावर टैकल जर्सी नंबर आउट को। और 38-15 का स्कोर है फेवर ऑफ बनारस, और एक पॉइंट फिर बलिया के खाते में जुड़ा, और मात्र 5 मिनट का समय बचा हुआ है, क्या बलिया की टीम वापस कर पाएगी। और यहां पे बलिया के डिफेंडर ने कहा जाते हुए शानदार टैकल पे टैकल, और अपने टीम को बूंद बूंद से स्कोर भरते हुए, बहुत ही एक पॉइंट बलिया फिर से खाते में, क्या बलिया वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में। और ये लीग मैच चल रही है, और यहाँ पे कवर को गलती करवा बैठे रेजर, और फिर से बलिया के स्टार रेजर जर्सी नंबर 5 आनंद रेज में बोनस का प्रयास, ओहो गलती करवा बैठे, 5 ने 5 को टारगेट किया और एक पॉइंट लेने में कामयाब रहे। Thank you.
रैंक लेने में कामयाब। वाराणसी इस मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़ते हुए और बलिया के रेजर 10 सेकेंड में अपनी टीम के लिए स्कोर लाते हुए और यहां पे बनारस के रेजर समय व्यतीत करते हुए और लास्ट 3 मिनट का अंपायर के द्वारा कॉल हो गया है और शानदार यहां पे स्केपिंग और 2 पॉइंट लेने में कामयाब रहे। काफी शानदार ब्लॉक लेफ्ट कवर के द्वारा और बनारस इस मुकाबला में बस औपचारिकता बचा हुआ है बनारस के लिए और अपने जीत अपने झोली में कर चुकी है और बलिया यहां से वापसी करने का प्रयास, लेकिन कोई करिश्मा ही बलिया को इस मैच में वापसी करवा सकती है। और अंतिम 2 मिनट का पुकार हो चुका है, अभी भी बनारस लीग में। क्या ये जर्सी नंबर 4 ऑल आउट कर सकते हैं? कबड्डी का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे डुबकी का प्रयास और उतना ही अच्छा पॉइंट बनारस के खेमे में। और यहाँ पे 4 का डिफेंस, ओहो जंप मारने का प्रयास, शानदार टैकल और फिर से यशवंत जर्सी नंबर 11 लेफ्ट से ट्राई करते हुए। ये राइट साइड के रेजर है, लेफ्ट से ट्राई करते हुए और लास्ट 1 मिनट टू कॉल। बलिया को बोनस मिला है और महज ये लास्ट ही रेज होगी, इस मुकाबले को अपने नाम कर चुकी है बनारस की टीम और महज औपचारिकता बाकी रह गई है। और यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं, बिल्कुल सुपर रेज, सुपर है यहाँ मारने का प्रयास यशवंत के द्वारा। ये औपचारिकता रह गई है इस मुकाबले में। बनारस के ये रेजर 12 नंबर जर्सी में काफ़ी अच्छा इस मैच में कमाल दिखाए हैं। बनारस की डिफेंस के साथ रेजर ने भी काफ़ी अच्छा किया है। इसी के साथ मैच ख़त्म और बनारस की टीम इस मैच में जीत हासिल कर चुकी है और दोनों टीम अपने बात को चेक करते हुए एक दूसरे को दोस्ती का परिचय, जो भी गलती गेम में गलती हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हुए अंपायर का पैनल इस मैच कराने में अहम भूमिका निभाए।